ये देखिए, आज हमने ब्रेड का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार किया। ये नाश्ता बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में तो बहुत टेस्टी है। आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इस नाश्ते को कैसे बनाना है। चलते हैं किचन में, मिलकर बनाते हैं इस नाश्ते को। तो आज बनाने जा रहे हैं ब्रेड का बहुत ही आसान नाश्ता। इस तरीके की ब्रेड हम लोगों के घरों में बच जाती है, कोई उसको खाना पसंद नहीं करता है। तो आज हम इसी ब्रेड से आपके साथ नाश्ता बनाना शेयर कर रहे हैं। इसके लिए मैंने ये देखिए दो पीस ब्रेड लिए हैं। डालेंगे दो कटे हरे मिर्च डालेंगे और ये हमने जीरा और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक लिया है और ये आधी कटोरी सूजी ली है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से सोक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम और इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से ब्रेड मैश हो जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है और खूब मिक्स कर देंगे। इसके एजेस हटाने की भी हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही डायरेक्टली आप ब्रेड डाल सकते हैं। इसको 5 मिनट तक हम सोक करने के लिए रख देंगे। ये देखिए बैटर हमने सोक करने के लिए रखा है, इसको हम साइड में रखते हैं। इसके साथ हम आपके साथ एक चटनी भी शेयर कर लेंगे। ये हमने धनिया लिए, दो हरी मिर्चें लिए, जीरा, नमक, हींग, 2 चम्मच गरी का बुरादा डाला है हमने। आप लच्छा भी डाल सकते हैं, टुकड़ा भी डाल सकते हैं, भुने चने डालेंगे, 1 चम्मच मूंगफली के दाने डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसको पीस कर हम तैयार कर ले। ये देखिए चटनी हमारी बनकर रेडी हो गई। चटनी हमारी बन गई, हमने इसको बाउल में ट्रांसफर कर लिया। ये देखिए अब हमने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है, आप तेल में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा जीरा डाला, जीरे को अच्छे से चटकने देंगे और जो ये बैटर हमने रखा था इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए बैटर हमने डाल दिया है जो हमने भिगाया था और इसको हम सुखा लेंगे, दो के सामने कर लेंगे मैश करते हुए, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख कर तैयार हो जाता है। और हर उसके आपकी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर प्रेस और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। ये देखिए बातों बातों में हमारा डो ऑलमोस्ट सूख चला है। ये देखिए डो हमारा अच्छे से सूख गया है, इसको अब हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसका नाश्ता बनाएंगे। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। ये बैटर हमारा रेस्ट करने के लिए हमने रखा था, ठंडा हो गया। अब हम इसको बराबर कर लेंगे। अब हम इसकी बड़ी सी लोई का बेल लेंगे, थोड़ी मोटी ही बेलेंगे, पतली नहीं करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमने इतनी मोटा इसको बेलकर रेडी किया है। इसके किनारे हम कट कर लेंगे। अब 20 से इसके निशान लगा देंगे और इसको इस तरीके से पीसेस में कट कर लेंगे। आप कोई और शेप चाहें तो आप किसी और शेप में भी कट करके बना सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से पीसेस इसके कर लिए हैं। ये देखिए ऑयल हमने पहले से गर्म करने चढ़ा दिया था। हम इसको सेलो फ्राई करेंगे, आप डीप फ्राई करना चाहें तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अभी हम इसको पलटेंगे नहीं, एक बार में हमारे पैन में जितने आएंगे हम उतने डाल देंगे, अभी इसको पलटेंगे नहीं। जब एक तरफ से हमारा नाश्ता क्रिस्पी हो जाएगा तब हम इसको पलटेंगे। बीच बीच में हम ऑयल इस तरीके से स्ट्रेन कर देंगे। ये देखिए नाश्ता हमारा सेक गया है, अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। आप इसकी आवाज सुन सकते हैं कि हमारा नाश्ता कितना कुरकुरा बनकर तैयार हुआ है।
दोस्तों आप इसको बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप चाय के साथ, बच्चों के टिफिन में, छोटी मोटी भूख में, आपके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, आप कभी भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमने एक शेप और शेयर करेंगे आपके साथ। ये इस तरीके के हमने ये राउंड राउंड बना लिए हैं। आपको कोई जो भी शेप पसंद हो आप उस शेप में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। हमने इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लिया। आप जो चटनी बनाई थी वो भी हमने इसके साथ में सर्व कर रहे हैं। ये देखिए इसको बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स। ऊपर से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट। ये देखिए ये हमने तीन तरीके के बनाए हैं। आपको बताया था ना कि ये गोल गोल रोल की तरीके से, ये छोटे छोटे टिक्की की तरीके से, और ये ट्रायंगल में। तो आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस शेप में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि मेरा नाश्ता देखने में कितना सुंदर लगा। तो आप भी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है। अगर आपने चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और पर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।